झारखंड आंदोलन में अगुवा का भूमिका निभाने वाले गुरुजी अपर हाउस पहुंच चुके हैं और हेमंत सोरेन उनके पुत्र हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री सर, सबसे पहले तो जीत मिला लेकिन आंकड़े जो है अपोजिशन के ज्यादा थे, आपको कम थे, तो इस पर क्या कहना है? क्रॉस वोटिंग हुआ उधर से, आप लेटर ऑफ सपोर्ट सरकार को यहाँ दिया गया और वोट लोगों ने दूसरे को किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी NDA की परंपरा रही है, अपने चरित्र के अनुरूप जो पूरे देश में इन लोगों ने आज इस लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को तार तार करने का जिम्मा लिया है, उसका भी प्रयास इन लोगों ने यहाँ किया है। क्योंकि आपको पता है, सत्ता पक्ष में दो विधायक नहीं होने के वजह से थोड़ी सी हम लोग ये में थे। अगर वो होते तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी इनको इस जगह पर नहीं आने देते। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी आंकड़े नहीं थे, वो कैसे आते हैं? आखिर वो वोट इन लोगों ने लिया किसका? क्या उनके गठबंधन के लोग थे? क्या उनके साथ चुनाव लड़े? आज तो वो सभी लोग उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ के आए थे। आज हमने दूसरा प्रत्याशी इसी आशा उम्मीद के साथ दिया था कि भाजपा विरोधी लोग, भाजपा विरोधी सोच एक साथ आएगी और हमें मत प्राप्त होगा। हमने खरीद फरोख्त करने का कोई ना विचार रखा, ना ऐसी मंशा हम लोगों ने की। आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को नज़रबंद करने का भी काम किया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और कितने बड़े संख्या में अलग अलग जगहों से RSS भारतीय जनता पार्टी के लोग आ करके इन विधायकों को पर नज़र रख रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों ने पूरी ताकत आज धन बल का उपयोग करते हुए आज इस चुनाव को संपन्न किया है। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, आगे ये जंग जारी रहेगी और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम छोटा सा सर सवाल, जल जंगल जमीन का जो बात है वो ऊपर भी अब गुरुजी उठाते रहेंगे, क्योंकि एक मौका था कि जो आवाज ऊपर उठेगी अपर हाउस में भी। आज गुरुजी इस राज में सक्रिय हैं, राज की आवाज उनके चलती रहेगी और आने वाला समय तक भी चलता रहेगा। तो हेमंत सोरेन साफ तौर से मंडी रियलिटीज है, यहाँ की जो आवाज है वो अपर हाउस में भी उठेगी। एक सम्मान से गुरुजी को नवाजा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है, BJP है, उसने अपने प्रकृति के हिसाब से ही धन बल का और तमाम जो हटकंडे होते हैं चुनावी, उसको अप्लाई करके जीता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक मर्यादा जो होता है उसका पालन नहीं किया है, मुख्यमंत्री का कहना है, मुख्यमंत्री का आरोप है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।